लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक। आप लोग देख सकते हैं कि हर तरफ पाकिस्तान सब सिलाली परचमों की बहार है। आज़ादी की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। हम लोग अपने घर पर लाइटिंग वगैरह करने का सारा सिस्टम वगैरह बना रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की रौनक में सलामत रखे, आमीन। ये ब्लू एरिया के आसपास फिर रहे हैं। मसला ये है कि सिर्फ बारिश बहुत तेज नजर आ ही रहा होगा कि कुछ नजर नहीं आ रहा है। नाज़रीन दरिया इस्लामाबाद में से गुजरते हैं, हम रावल लेक में गुजर रहे हैं। और जनाब ये देखें, पिंडी बॉयज को बारिश भी नहीं रोक सकती। फुल डांस मोड हमारा भतीजा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक होंगे। और आज जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया होगा कि हम लोगों के साथ क्या हुआ। कल हम लोग जो निकले थे तो बारिश का सामना हुआ और अच्छी खासी तेज़ बारिश का सामना हुआ, तो लाइटिंग तो बहुत कम हमें नज़र आई। तो आज हम लोग दोबारा निकल रहे हैं। आज वैसे भी 14 अगस्त है और हम लोग बस से निकलने लगे हैं, तो आप लोग भी फिर हमारे साथ चलिए। और जनाब ये देखें जी, हमारा बेटा अस्सलामुअलैकुम, मेरा भांजा। ये है कि एफिया व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करें और साथ में एसएच व्लॉग्स को भी जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। जी दोस्तों, तो हम लोग सेलिब्रेशंस करने के लिए निकल चुके हैं और आप लोग इस दफ़ा आज हमारे साथ देखें कि हम लोगों को क्या कुछ देखने को मिलता है। अल्लाह का शुक्र है आज बारिश तो अभी तक हमें कोई सीन नज़र नहीं आ रहा, जैसे कि कल आप लोगों ने देखा कि कितनी ज़्यादा बारिश की वजह से हम लोगों का सारा प्रोग्राम आगे पीछे हो गया था। तो इंशाल्लाह ताला आज तो उम्मीद है कि हम कामयाब लौटेंगे। हाँ जी दोस्तों, हम लोग यहाँ पर रुके थोड़ी देर के लिए, आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है, लोग यहाँ पे स्नैप्स ले रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। हम भी यहाँ पर रुके हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। हाँ जी, हम लोग जा रहे हैं सामने और बड़ा ज़बरदस्त आगे सजावट हुई है, मैंने पहले भी बताया था, तो चलें आप लोगों को। दोस्तों मैंने आप लोगों की जगह था, बहुत खूबसूरत जगह पाकिस्तान, आप लोगों ने देखा होगा कंपनी, ये बहुत खूबसूरत जगह बनाई है। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज आ रही हैं, लोग आ रहे हैं अपना पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आप लोग भी देख सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है। ये हमारी मम्मा जान आ चुकी हैं और 14 अगस्त सेलिब्रेट करने के लिए आप लोग सारे साथ मिल रहे हैं। आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। ये देख लीजिए, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत रश है, काफ़ी लोग तस्वीरें वगैरह उतार रहे हैं और ये हमारा बेटा वो कहाँ गया? ये एसएच व्लॉग्स अपनी तस्वीरें उतार रहे हैं।
जी जनाब, तो हम लोग चल पड़े हैं और आज आप लोगों को पहले थोड़ा सा पिंडी की दिखला दें, थोड़ा सा घुमा देते हैं कि क्या चल रहा है सिस्टम। ये आप लोगों के सामने ये देखें कितना खूबसूरत, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग सजी है ये। ये आप लोग नाम पढ़ लेंगे, ये PIA का ऑफिस है और साथ में ये जो है ये बैंक है, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सजाया हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलो, रश हमें फंस गया है। नहीं मतलब हम फंस गए रश में। अच्छा जी, तो हम लोग जनाब इस वक्त इस्लामाबाद अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं और हम लोग चूँकि रश को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो हम लोग थोड़े उन रस्तों से गुजर रहे हैं जहां पर थोड़ा कम रश हमें मिले, क्योंकि पीछे भी रश में हम लोग फंस गए थे काफ़ी ज़्यादा। ये देखें जी माशाल्लाह, ये भी कितनी प्यारी बिल्डिंग सजी हुई है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। नीचे से जो ये ग्रीन लाइट्स इन्होंने दी हुई है ना, वो बहुत अच्छी लग रही है। ये एक और बिल्डिंग ये देखें, ये अभी आगे से सही से, हाँ ये सही, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ये कोई कैपिटल प्रिंटिंग एजेंसी है, ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारी सजी हुई है, आप लोग देख ही रहे होंगे। ये देखें जी ग्रीन लाइट्स, ग्रीन ट्री, दरख्तों में भी लाइट थोड़ी बहुत लगी हुई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। दरख्त लगाएं, पाकिस्तान को हरा भरा बनाएं। माशाल्लाह। ओ ये क्या था और किसका था? ये देखें एक और बिल्डिंग है, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। कितनी मेहनत करते हैं ये लोग, इतनी ऊपर से लेके नीचे तक माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आगे एक और बिल्डिंग आ रही है, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है ये। वाह भाई वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। जी दोस्तों, तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं ब्लू एरिया में और हमारे पीछे आप लोग ये बिल्डिंग्स देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से सजी हुई हैं। हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, घूमते घुमाते काफ़ी ज़्यादा घूमे फिरे हैं। ये देखें जी, कुछ नज़र नहीं आ रहा, अंधेरा है। मैं लाइट मारूं? आप लाइट दिखाएं। ये आप ज़बरदस्त हो चुका है काम, ये बहुत अच्छा काम, थोड़ा आगे आ जाए। हाँ जी, ये हम लोग मौजूद हैं जनाब, और रबी किधर रह गए, रबी आते आते कहीं गायब हो चुका है। ये रबी आ जाओ। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पर इस वक्त इस्लामाबाद में हैं मौजूद, और बहुत ज़्यादा पीछे रश था, हम लोगों ने थोड़ा पिंडी में रहने का फ़ायदा उठा के रस्ते इधर उधर से घुमा फिर आके गाड़ी लेकर आ गए हैं हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी खुला खुला माहौल सा है। लेकिन आप लोग पीछे देखिए क्या सिस्टम है, नज़र आ रहा होगा लाइटिंग। ये मेरा बेटा चूँकि नीचे ही रह जाएगा, ये आप लोग यहाँ से इसको देख लें, ये हाई कर दो ये। चले जी दोस्तों, पता नहीं बन रही, हाँ बन रही है जी दोस्तों।
मेरा भांजा मेरे साथ आ चुके हैं, हम इनसे थोड़ा सा पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको ये लाइटिंग वगैरह सारा। बहुत अच्छा लग रहा है, पहले तो हम देखते थे पिंडी, बहुत मज़ा आता है। और कल का एक्सपीरियंस, कल भी आप साथ में थे, कल का एक्सपीरियंस और आज का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। कल तो बारिश पूरा पकड़ नहीं था, बारिश हो, बारिश ही बारिश थी और तो कुछ। कल बारिश में लाइटें थी, आज सही है, आज का सही है, गुड हो गया। ये था कि हाँ हमने बारिश की वजह से इतना ज़्यादा नहीं इन्जॉय कर सके थे, लेकिन हमने अपनी कल इन्जॉयमेंट जो होती नहीं है गैदरिंग आपस की, वो हमने इन्जॉय की। तो दोस्तों तस्वीर आप लोगों को नहीं आ रही होगी, लेकिन आवाज़ से आप लोग गुजारा करें क्योंकि हमारे बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पर। हाँ जी, तो मैं थोड़ा सा दिखलाता हूँ, वो पीछे की साइड पर आतिशबाजी थोड़ी सी चल रही है, आप लोगों को दूर दिख रहा होगा सारा सिस्टम, ऊपर आतिशबाजी वगैरह का माहौल चल रहा है। और मैं अब आप लोगों को मिलवाता हूँ, व्लॉगिंग चल रही है एक और जगह, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर एक व्लॉगर मौजूद नहीं है, तो ये आपके सामने दूसरा व्लॉगर है और व्लॉगिंग कर रहा है, अपना व्लॉगिंग चल रही है। यहाँ पर लड़ाई होगी तो व्लॉगर की, मजाक मजाक में ये अकेले, ये देखें जी एसएच, ये मेरा हमारा फ्लैश वाला इंसान फ्लैशर आ रहा है क्योंकि नजर नहीं आ रहा, और सारे बोल रहे हो किसी को समझ नहीं आ रही। अच्छा चले थोड़ा सा हम समी के साथ थोड़ा सा पूछते हैं क्या सिस्टम चल रहा है। तो सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा है मामू, आपने बहुत मजा करा है। अगर हम लोग थोड़ा सा व्यू दे दें यूजर्स को, क्योंकि हम लोग पीछे जंगल दे रहे हैं, हम थोड़ा इस तरफ हो जाते हैं। वाली चाहिए आप लग रहा है ना, ओजीटीएल की एक बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत सजाते हैं हर साल, इस दफा बहुत अच्छी सजाई हुई है माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबसे पहले तो ये है कि ये रौनकें हमेशा बहाल रखे, कभी भी इन रौनकों को किसी की भी नज़र ना लगने पाए, आमीन। जी समी अब आप बताइए। मैं बोल चुका आपका, मैंने सुना ही नहीं, हमारे यूजर्स व्यूअर्स बहुत मजा आया, मामू मामी हमें लाए और दूसरी फैमिली भी आई हुई है मेरे, जो हेलो इट्स मी, माँ बाप जो है वो भी आए हुए हैं और हम इनके साथ फिर रहे, बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत तेज मेरे गांव में लगाते हैं, बहुत मजा आता है और जगमग बहुत मची हुई है, इस्लामाबाद छा गया, मजा आ गया, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये देखें दूर तक, इस तरफ से आप लोगों को दिखला रहे हैं बिल्डिंग, और अब तक आप लोगों ने भी ये जितनी भी बिल्डिंग सजी हुई देखी है उसमें सबसे ज़्यादा सजा हुआ, आप लोग भी इत्तफाक करेंगे कि माशाल्लाह ये वाली बिल्डिंग सजी हुई है बहुत ज़्यादा अच्छी जी, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, ये भी और उधर भी पीछे भी आप लोगों ने देखी होंगी। अभी वो साइड पर हम लोग आगे की तरफ, जिस तरफ मैंने इस वक्त कैमरा किया हुआ है, हम इस तरफ आगे की तरफ जाएंगे तो उस साइड पर भी आप लोगों को दिखाते हैं, उस साइड पर बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, यूफो ने बहुत अच्छा सजाया हुआ है, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ी देर में। ये देखें जी पिंडी बॉयज गुजर गए, आवाज़ आप लोगों को नज़र कुछ नहीं आई लेकिन आवाज़ ज़रूर आई होगी, आवाज़ ज़रूर आई होगी। पिंडी बॉयज की पहचान आजकल बनी हुई होती है, 14 अगस्त को सिलेंसर निकाल कर 14 अगस्त मना रहे होते हैं, तो चलें हम लोग देखें जी फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पर। वाह वाह क्या बात है, यंग ग्रीन ब्लड राइजिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी दोस्तों तो अब हम लोग यहाँ से मूव करने लगे हैं और आगे की तरफ चलते हैं आप लोगों को लेके, वहाँ पर और रौनक लगी होगी उम्मीद तो यही है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा रौनक उसी जगह पर लगी हुई थी जिस जगह अभी हम लोग जाने लगे हैं, तो चलें फिर आप लोग हमारे साथ साथ चलिए और जश्न आज़ादी की
जो सेलिब्रेशन है उसमें शामिल रहे हैं आप लोग भी। पाकिस्तान जिंदा। ये आ रहा है ये अली हैदराबादी का स्टाइल है भाई। ये हमारे भाई की गाड़ी है और ये पाकिस्तान जिंदाबाद। ये देखें जी दोस्तों, पिंडी बॉयज इन फुल एक्शन। जनाब फुल माहौल बना के रखा हुआ है यहाँ पे, जिसको कहते हैं माहौल चुका हुआ है। चुक 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 दिया, चुक दिया माहौल। ग्रेट। ये देखें ये डांसर, ये अच्छा जी दोस्तों, ये आप लोग देख रहे होंगे साथ साथ में जंगला चल रहा है। तो ये जंगला जो है ये मेट्रो बस सर्विस का है और उस साइड पर आप लोगों को लाइट्स वगैरह भी नज़र आ रही होंगी। जी जो दोस्तों ये आप आवाज़ सुन रहे होंगे, ये हमारे भांजे पोंपड़ों पों 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 बजा रहे हैं। दोस्तों ये सारा जो रश बना हुआ था वो इस वजह से बना हुआ था और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पिंडी बॉयज हर गाड़ी को रोक के बैठी हुई और हमारी गाड़ी को भी रोका जा चुका है और फुल टाइम मस्त माहौल, मीठे चौल, मेरा मतलब है कि मस्त माहौल का माहौल है। ये देखिए मेट्रो स्टेशन, ओहो स्टेशन यार। और ये देखें जी यू फोन खूबसूरत टावर। अच्छा जी तो अब हम लोग वापस आ चुके हैं, हम इस वक्त रावलपिंडी सिटी में इंटर हो चुके हैं और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी बिल्डिंग्स वगैरह कुछ सजी हुई हैं और ये आगे मस्जिद आ रही है और बहुत खूबसूरत सजाई हुई है। पहली मस्जिद है जो कि हमने इस तरीके से सजी हुई देखी, वो भी 14 अगस्त के ऊपर। हाँ बेटा बिल्कुल, ये मस्जिद है। दोस्तों 14 अगस्त के मुनासबत से मेरी मिसेस ने ये बिरयानी बनाई है, देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है और इंशाल्लाह जब खाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। जी दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले दिखाया भी है कि आज मिसेस ने जो है 14 अगस्त की मुनासबत से जो है वो बिरयानी बनाई है और अब आप लोगों को उसकी शक्ल भी दिखा देते हैं कि कैसी बनी हुई है। शक्ल से बहुत अच्छी लग रही है, टेस्ट भी यकीनन बहुत अच्छा होगा। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने हमारा थंडियानी का ट्रिप देखा होगा, उसके अंदर भी बिरयानी आप लोगों ने देखी थी। तो बिरयानी तो बड़ी अच्छी बनाती है मेरी मिसेस, अभी आप लोगों को क्लोज अप दिखा। जी ये देखें जनाब, ये बिरयानी है। 14 अगस्त पाकिस्तान की जश्न आज़ादी का दिन और हम लोग इसको इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं बिरयानी खा के विथ सैलड। और ये कि आप सब लोग भी इंजॉय करें
पाकिस्तान की सेलिब्रेशंस जो जिस तरीके से कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। जी दोस्तों, ये मेरे भाई हैं कज़न हैं। क्या हाल है भाई आपके? ठीक ठाक। ये आप लोगों ने पहले ज़रूर देखे होंगे, ये ब्लॉग्स के अंदर आते हैं। समी जो मेरा भांजा है, ये उनके फादर हैं, तो आप उसमें देख चुके हैं। वो कलाम वाला ट्रिप था, आप लोगों को मैं बता दूँ, मैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूँगा। हेलो, इट्स मी। उस वीडियो को भी, एसएच व्लॉग्स को भी सपोर्ट करें। भाई जान आज आए हुए थे और इन्होंने भी हमारे साथ मिलकर 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस की हैं। भाई कैसा लगा आपको सारा कुछ? बहुत ज़बरदस्त लगा। पहली दफ़ा मैं आया हूँ 14 अगस्त। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी पेशावर से हट के गुजारा होगा। आज यहाँ पे इस्लामाबाद, पिंडी की नस्बत इस्लामाबाद काफ़ी ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। हाँ जी बिल्कुल, असल में पिंडी की नस्बत इस्लामाबाद ज़्यादा इसलिए भी पसंद आया है क्योंकि सारे पिंडी वाले इस्लामाबाद पहुँचे हुए होते हैं। हम भी पिंडी में रहते हैं, हम भी इस्लामाबाद पहुँचे हुए थे। इसी तरीके से पिंडी खाली करके आज के दिन इस्लामाबाद के अंदर रौनकें लग रही होती हैं। तो चलें जी, फिर थोड़ी देर तक आप लोगों से मज़ीद रब्ता करते हैं। जी दोस्तों, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम लोग रात का ये कोई टाइम इस वक्त मेरे ख्याल में 1 या 2 बजे का टाइम है, आप लोगों को मैं बाद में बता दूंगा। और हम लोग जो है इस वक्त स्प्राइट पीने के दिल कर गया जनाब। आप लोगों ने पहले भी देखा था कि हम लोगों को रात के टाइम पे ना कोई मसला होता ही रहता है। कभी भूख लग जाती है, आज भूख नहीं लगी क्योंकि घर में खाना बना हुआ था। खैर उस दिन भी बना हुआ था, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, वो उस दिन भी खाना बना हुआ था। उस दिन तो हमने खाने के दिल ही नहीं कर रहा था ना, उस दिन एडवेंचर करने का दिल कर रहा था। आज जनाब ऐसी सिचुएशन है कि खाना हमने खा लिया और अब स्प्राइट का दिल कर गया है। और इस वक्त रावलपिंडी में रात के इस वक्त हमें स्प्राइट मिलेगी कि नहीं, ये हमें देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो चलें जी, फिर चलते हैं स्प्राइट की तलाश में। हाँ, हमारा भांजा भी पीछे बैठा हुआ है, वो अभी आया सामने से। क्या हाल है, हाथ हिला दो बेटा जी। हाँ शाबाश, तो आपके साथ प्रैंक हो गए? और आपके साथ प्रैंक नहीं हुए, ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम सारे एक साथ जा रहे हैं और स्प्राइट की तलाश में है हम लोग। तो बेटा हाई कर देते होते, शाबाश। चलें जी, चलते हैं फिर। जी तो दोस्तों, स्प्राइट की तलाश इंसान को कहाँ कहाँ ले जाती है ये आज हम देख रहे हैं। हम दर दर की ठोकर कौन खा रहा है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हद होगी, हद ही होती है। हम घूम रहे हैं जगह जगह, कहीं पर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा। इसलिए ये हाल हो चुका है कि कभी ठोकरें मुंह से निकल रही हैं, कभी ठोकर निकल रही है, सब चीज़ें एक ही जैसी निकल रही। लेट्स सी क्या होता है जी। ले जी, हम पेट्रोल डलवाने, स्प्राइट डलवाने आ गए। कामयाब वापसी।
ये देखें नाजरीन कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह सारा कुछ। पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और हम आप लोगों के लिए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ फोटो सेशन चल रहा है मैडम। ये SH व्लॉग्स एज अ कैमरामैन, एज अ कैमरामैन बिल्कुल सही। सॉरी फैमिलीज आ चुकी हैं। हम इस वक्त आए थे कि इतना क्राउड नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्राउड बढ़ने लग गया आहिस्ता आहिस्ता हमें देख कर। जी बिल्कुल जी दोस्तों, हम लोग वापस आ चुके हैं। इस वक्त टाइम मैं बाद में बता दूंगा, अभी मुझे याद नहीं है क्या टाइम हो रहा है इस वक्त पे, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको वो एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रही होगी जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए इस वक्त हमारी आवाज़ में। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत थक रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी हेल्प करें। हाँ जी थैंक यू। अब बस यही है कि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, मज़ा बहुत ज़्यादा आया है, वो आप लोगों ने देख ही लेना है इसमें वीडियो में हमारे, लेकिन इस वक्त थकावट काफ़ी नेक्स्ट लेवल की हुई है। SH व्लॉग को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक हम नीचे उसमें कमेंट में डाल देंगे और वीडियो के साथ भी दे देंगे अगर। हाँ जी डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग जो है वो SH व्लॉग्स का भी दे देंगे, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करें। और ये लीजिए SH व्लॉग्स खुद आ चुके हैं हमारे। समी आप खुद भी अपना बता दें, हम अपना एंड कर रहे हैं वीडियो। तो ये मेरा बेटा और ये मेरा भांजा छोटा और ये बड़ा भांजा। नाजरीन बड़ी मेहनत हुई है, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रेस बेल आइकन भी कर दें और जरूर करें प्रेस, मस्ट करना होता है जी। बड़ी मेहनत है जी, देखें हमारे 200 व्यूज इस वीडियो पे ना आए ना फिर भी कुछ नहीं कर सकते, हम वीडियो बनाते रहेंगे। लेकिन आपने कुछ ना कुछ करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, इंजॉय भी करना है, जो जो कर सकते हो कर दो, हमें छा दो। मशहूर करना, बेसिकली मशहूर करना। आप देख रहे हैं कितने जज्बात में आ गया मेरा भांजा, कितने जज्बात में, और वो इतने जज्बात के बाद भी यार अगर लाइक्स वगैरह ना मिले ना तो कोई मसला नहीं है यार, हम मजीद जज्बात के अंदर वीडियोस बना लेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा आप सब लोग। आखिर में मैं यही कहूँगा, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।